दक्षिणा ले ले। मुंगेर के असरगन चक्षुदान यज्ञ समिति द्वारा पिछले 50 वर्षों से निशुल्क मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है, जहां पहले उनकी जांच कराई जाती है और जरूरत पड़ने पर वैसे लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, साथ ही उसमें निशुल्क लेंस भी लगाई जाती है। ज्ञात हो कि यह आयोजन पिछले 50 वर्षों से असरगंज के बुद्धिजीवियों के द्वारा किया जा रहा है। इस संस्था के लोगों ने कहा कि हमें सरकार से सहयोग मिलता है, सरकार द्वारा ही सारी इलाज की व्यवस्था की जाती है और लेंस लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उत्तम ऑपरेशन की व्यवस्था है, जहाँ कोलकाता की बढ़िया टीम इसका ऑपरेशन करती है। पहले हम सारे बीमारियों की जांच करते हैं, जैसे डायबिटिक, ब्लड प्रेशर और कई संबंधित चीजों की जांच करते हैं। उसके बाद जब मरीज पूरी तरह से फिट लगते हैं, तभी उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। ज्ञात हो कि लगभग इस बार के शिविर में 300 से अधिक महिला पुरुष को ऑपरेशन किया गया है। इस शिविर में ऑपरेशन कराने वाली महिला, साथ ही इस संगठन के लोग और स्थानीय मुखिया और गणमान्य से सुने कि वह क्या कहते हैं। आपका ऑपरेशन करवाने हैं? हाँ। क्या पैसा लेके किया जा रहा है या फ्री में? फ्री में करवाया जा रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? ठीक है, तो लग रहा है। ठीक लग रहा है, सब चीज़ बढ़िया ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक। ये ऑपरेशन तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा से ऑपरेशन हो रहा है। कलकत्ता के द्वारा टीम है, मेडिकल टीम, उसके द्वारा ऑपरेशन हो रहा है। व्यवस्था पूरी रूप से व्यवस्था है, यहाँ जो रोगी है निःशुल्क सेवा किया जा रहा है, हर चीज़ निःशुल्क व्यवस्था है और जो भी चीज़ है निःशुल्क यहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। असरगंज प्रखंड स्थित जो है असरगंज चक्षुदान यज्ञ समिति में लगातार लगभग 50 वर्ष से निःशुल्क जाँच शिविर लगाया जाता है, जाँचों उपरांत जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन की जाती है और इस संस्था के द्वारा ही लेंस लगाई जाती है, निःशुल्क लेंस लगाई जाती है। साथ में रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था तथा अन्य सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। असरगंज चक्षुदान यज्ञ समिति पिछले 25 साल से भी बेसी से ये मोतियाबिंद का शिविर का हर प्रत्येक वर्ष आयोजन करता है। हर साल लगभग 300-400 जनों का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन कलकत्ता से टीम आती है जिसको कोऑर्डिनेट मैं करता हूं। यहां असरगंज चक्षुदान यज्ञ समिति के सचिव, ग्राम मुखिया, जिला अंधापन निवारण समिति के अध्यक्ष के अंतर्गत ये कैंप किया जाता है। कैंप का पूरा अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें लगभग 14 तारीख से पंजीकरण चालू था, जिसमें विभिन्न जांचों से रोगी निकलता है, जैसे शुगर का जांच, आँख का प्रेशर का जांच, उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसमें जो भी मरीज है उनका बायोमेट्री होता है, लेंस किस पावर का लगेगा वो निकाला जाता है। उसके उपरांत उसको प्री एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप दिया जाता है, जो वो घर में लगभग 3-4 दिन आँख में डालता है। उसके बाद आँखों का ऑपरेशन कराने वो आता है। ऑपरेशन के बाद काला चश्मा, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन, आई ड्रॉप्स, एंटीबायोटिक टैबलेट, सब कुछ इसी के अंतर्गत दिया जाता है, जो कि पूरा निःशुल्क है। तो मेरा औकात है तो लाना। Thank you.